इस वजह से अब दूसरे टेस्ट में भी रोहित शर्मा को नहीं खिलाएंगे विराट कोहली, हो गया खुलासा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट एंटीगुआ में खेला जा रहा है। भारत ने पहली पारी में 297 रन बनाए थे, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम मात्र 222 रनों पर ही ढेर हो गई थी। पहली पारी में भारत को 65 रनों की बढ़त मिल चुकी है। पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी के दौरान भारतीय टीम काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रही है। दूसरी पारी में 419 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम 100 रन बना पाई। भारतीय क्रिकेट टीम ने यह मुकाबला 318 रन से जीत लिया था। दूसरी पारी में ईशान शर्मा ने 3 विकेट और बुमराह ने 5 विकेट चटकाए। कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने विदेशी धरती पर 12वीं टेस्ट जीत हासिल की है। वह विदेशों से सबसे सफल भारतीय कप्तान बन गए हैं। वही आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त को भारतीय समय अनुसार 8 बजे खेला जाएगा। इस मैच में लोगों को उम्मीद थी कि रोहित शर्मा की वापसी होगी, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने पहले ही कह दिया है कि टीम यदि जीत रही है तो इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कोहली अक्सर उसी टीम को खेलने के लिए जाने जाते हैं जिस टीम को लेकर वे जीत हासिल करते हैं। वैसे भी हनुमा विहारी ने पहले टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी किया है, ऐसे में रोहित शर्मा का स्थान नहीं बनता है। विराट कोहली पहले भी इस पक्ष में नहीं थे कि हनुमा के बदले रोहित को खिलाया जाए, इसलिए अब ये तय है कि रोहित को दूसरे टेस्ट में भी मौका नहीं मिलेगा। रोहित शर्मा को टेस्ट में मौका मिलना चाहिए या नहीं, अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।